टाइम मॉर्निंग के 8:30, क्योंकि मेरे आज ब्रेकफास्ट की ड्यूटी लगाई थी, देख सकते हो व्यू। और मैं रास्ते की वीडियो दिखा नहीं पाया एक्चुअली, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी से नहीं है हेलमेट था मेरा, अब मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी है और अब मैं अंदर जाऊँगा। सही से लगा नहीं। अभी एक बंदा आया है पूरी सर्विस वाला, तो चलते भाई हमारा किचन एंड दिस इज अ सर्विस काउंटर। ये हमारा पूरा पिकअप काउंटर है, ये यहाँ ओवन है जिसमें पिज्ज़ा बनाते हैं। ये हमारा काउंटी सेक्शन का है, पिज्ज़ा बनाने के स्टेशन बता देता हूँ। ये बिगर ये हमारे काउंटी का है, इसमें जो चॉपर का काम होता है ना, एक ये सिर्फ वही समझ सकता है जो कि होटल लाइन वाला होगा, नहीं तो कोई नहीं समझ सकता। लेकिन फिर मैं बता देता हूँ, इसकी ये चॉपर है, जैसे कि हम पहले चॉपर से काटते थे ना कोई भी चीज़ को, तो अभी आसानी से इजीली से ये काट देता है। ठीक है, क्वांटिटी का फ्रिज है, ये चाइनीज़ का आता है इधर, इंडियन सेक्शन है, ये फ्रिज उनका इंडियन वालों का बराबर से होगा। एक हो गया, ये तंदूर का फ्रिज है कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में डाला था कि मैं करके वापस में होटल आने, तो गाइस ऐसा है काम करने की कोई ना शर्म नहीं होती है। और मैं उन सभी भाइयों को बोलना चाहूँगा कि जो होटल लाइन में है, रेस्टोरेंट लाइन में, फूड लाइन में जो भी है, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा, उनका मोटिवेशन भी है कि बेस्ट शर्म कि वो ऐसा है वैसा है, मतलब इतनी पढ़ाई करके फिर भी वो होटल लाइन कर रहा है, होटल जॉब कर रहा है, तो ये कोई शर्म की बात नहीं यार। एक बार मैं उनको कहना चाहता हूँ जो कि ये बोलते हैं ना, भाई एक बार तुम आके दिखाओ, तुम बनाकर दिखाओ, तुम करके दिखाओ होटल लाइन में जाओ, तब मैं मान जाऊँगा, है ना। तो इस चीज़ की कोई शर्म नहीं है और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, अब मैंने सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं उसी में ही कोर्स करूँगा, उसी में जॉब नहीं है। लेकिन जब तक नहीं लगे ना, तब तक तो मैं अपना जितना भी बनता है जो करियर में कमा सकता हूँ ना थोड़ा बहुत, क्यों टाइम वेस्ट करना है। तो मेरा ये कहना चाहूँगा, जो तीनों सेक्शन की है सिर्फ क्वांटिटी, एक ये हो गया और एक ये हो गया इसकी, और एक ये हो गया इसमें रहता है नॉन वेज का, इस पर रहता है वेज का, और उस पर पिज्ज़ा का, सारा जितना भी सामान है वो सारा पिज्ज़ा का उसी में रहता है, बेस वगैरह सब्जी वगैरह जो भी है सारी उसी में रहती है। और इस पर सिर्फ हमारा वेजिटेबल से पास्ता पुस्ता वगैरह का हो गया स्नैक्स का और मेन कोर्स का। सॉरी गाइस, मेरी तबीयत ख़राब हो रखी है, और इस पर नॉन वेज का सारा आइटम रहता है। थैंक यू, मिलता है मेरे लिए।